जय श्री राधे। भगवान चिदानंदमय। प्रिय साधकों, याद रखो, भगवान चिदानंद स्वरूप हैं, परमानंदमय हैं और वे दिन रात आठों पहर तुम्हारे साथ रहते हैं। सोते जागते, खाते पीते, चलते बैठते, सभी समय सभी अवस्थाओं में तुम उनको भूले हुए हो, इसी से दुखी होते हो, उनका अनुभव नहीं करते, इसी से भय विषाद से भरे रहते हो। अनुभव करो, तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे जीवन की प्रत्येक क्रिया में भगवान तुम्हारे साथ हैं। याद रखो, वास्तव में समस्त जगत के रूप में एकमात्र भगवान ही अभिव्यक्त हो रहे हैं, भगवान ही एकमात्र सत्य हैं, वे आनंद स्वरूप हैं। जगत में जो कुछ सुंदर भयानक हो रहा है, सब उन्हीं आनंद स्वरूप की आनंदमय लीला है। इसे अनुभव करो और नित्य सुखी हो जाओ। याद रखो, भगवान से रहित जिस जगत की कल्पना है, वह सर्वथा असत है, और जहाँ उसकी कल्पित सत्ता है, वहाँ वह अनित्य, अपूर्ण तथा नित्य अत्यंत दुखमय है। उसमें सदा सर्वत्र दुख की ही नई नई ज्वालाएं प्रकट होती और भड़कती रहती हैं। उससे त्राण पाना हो तो वह जिन आनंदमय भगवान में कल्पित है, सदा सर्वत्र उन आनंदमय लीलामय भगवान को और उनकी आनंदमय लीला को ही देखो। याद रखो, तुम भी आनंदमय की आनंदमयी लीला सुधाधारा के प्रवाह में ही उन्हीं लीला समुद्र की एक तरंग बने बह रहे हो। जब तुम उस आनंद समुद्र की तरंग हो, तब स्वयं आनंद समुद्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो। याद रखो, जगत में जो कुछ भी व्यवहार हो रहा है, सब उनकी आनंदमयी लीला है, और जो कुछ भी है, सब वे स्वयं आनंदमय भगवान ही हैं। अतः प्रत्येक व्यवहार में उनकी लीला के दर्शन करो, और प्रत्येक पदार्थ में स्वयं लीलामय की, प्रत्येक फल के स्वरूप में भी लीलामय भगवान ही आते हैं। कभी रोग बनकर, कभी निरोगता बनकर, कभी सृजन बनकर, कभी संहार बनकर, कभी मान बनकर, कभी अपमान बनकर, कभी सुख बनकर, कभी दुख बनकर, और कभी लाभ बनकर, कभी हानि बनकर, तुम सब में सदा उन्हीं को देखो। याद रखो, वे भगवान ही सब कुछ हैं। माता, पिता, गुरु, पति, भाई, मित्र, जिस किसी भी रूप में जैसा जो कुछ भी संबंध मानकर उनको अपना बना लो, वे उसी रूप में तुम्हारे बनने और तुमको अपना बनाने के लिए तैयार हैं। याद रखो, विश्वास के योग्य वही होता है जो सत्य है, नित्य है। असत्य और अनित्य पर विश्वास करने वाला तो निराश ही होता है, धोखा ही खाता है। सत्य और नित्य एक भगवान ही हैं। भगवान के सिवा और जो कुछ भी है, सब असत्य है, कल्पित है और देखने में भी अनित्य प्रत्यक्ष है। अतएव भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी पर विश्वास तथा भरोसा करोगे तो वह तुम्हारी मूर्खता होगी, क्योंकि तुम उससे धोखा ही खाओगे। याद रखो, तुम भगवान पर विश्वास करके उन्हीं को एकमात्र अपना मानकर उनकी ओर बढ़ना चाहोगे तो वे सहज, अहेतुक, सुहृद तुम्हें सुखपूर्वक अपनी ओर खींच लेंगे। तुम्हारे सारे बाधा विघ्नों का सहज ही नाश हो जाएगा, तुम्हारा पथ सुगम, सुखमय और प्रशस्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, जब तुम उनकी ओर चलना शुरू कर दोगे, तब वे अपने प्रण के अनुसार तुम्हारी ओर चलना आरंभ कर देंगे। वे चलेंगे अपनी चाल से, और उनकी चाल है चलने का संकल्प करते ही वहां पहुंच जाना। अतएव वे भगवान तुम्हारे पास तुरंत आ पहुंचेंगे और उनका मंगलमय, पावन, सुदुर्लभ दर्शन स्पर्श प्राप्त कर तुम कृतार्थ हो जाओगे। फिर कण कण में प्रतिक्षण अनवरत रूप से तुम उनके दर्शन करते रहोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा।
अब सच्चे हृदय से श्री राधा माधव का स्मरण करते हुए गदगद कंठ से बोलिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।